A news update sponsored by RS Academy, second floor, Ramagovind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa. नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा की इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। रीवा में वकील अजीत सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी एक महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। महिला का कहना है कि वकील ने 3 लाख की स्टाम्प ड्यूटी उनसे ली, लेकिन अभी तक एक भी जमा नहीं की। मामले को लेकर जब महिला पुलिस में शिकायत करने पहुंची, उसके बाद वकील द्वारा महिला को धमकाया जा रहा है और स्टाम्प ड्यूटी का गलत उपयोग किए जाने की बात कही जा रही है। कुछ दिन पहले महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पहुंची थी, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। रीवा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा आज जिले भर की स्कूल बसें और स्कूल वैन पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें, स्कूल बस और वैन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। तमाम गाइडलाइन के तहत जिन भी स्कूल बसों में चीजें नहीं पाई गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि कल से अब तक 83 बसों पर कार्यवाही की जा चुकी है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बुलाकर समझाइश पहले भी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कल सड़क सुरक्षा की एक मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको सुनाते हैं एसपी नवनीत भसीन ने क्या कहा। लगातार स्कूल बसेस पे और वैन पे कार्रवाई का अभियान प्रारंभ कर रखा है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पूरी टीम लगातार। आपने देखा कि 15-20 दिन पहले हम लोगों ने मार्तन स्कूल में पूरे जिले से जितने भी स्कूल बसेज हैं उनको बुलाया, उनके ड्राइवर कंडक्टर को बुलाया, उनका आई टेस्ट कराया गया, उनका करेक्टर वेरिफिकेशन कराया गया, उनके गाड़ी में स्पीड मीटर है, उनकी गाड़ी में GPS ट्रैकर है, ये सब बेसिक चीज़ें पूरी चेक कराई गई। इसके साथ साथ जो सेकेंड पार्ट है इसका, वो है विभिन्न प्रकार की मैजिक मारुति वैन इत्यादि में पेरेंट्स द्वारा बच्चों को स्कूल भेजना। उस क्रम में हम लोगों ने जो कल से लगातार चेकिंग अभियान चलाया, इसके पूर्व में भी हमने अभियान चलाया था और उन लोगों को चेतावनी देकर समझाइश देकर छोड़ा था, परंतु हमको लगा कि ये विषय काफ़ी संवेदनशील है, बच्चों के जीवन से जुड़ा विषय है, इसमें किसी प्रकार की हम लोग ढील नहीं देना चाहते। हम लोगों ने कल से सख्त रुख अपनाया है और प्रत्येक गाड़ी को रोक के चेक करके उसमें जो कमियाँ पाई जा रही हैं उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कल से अभी तक हम लोगों ने 83 वाहन चेक किए हैं विभिन्न प्रकार के। ये हमारा अभियान जारी रहेगा। कल हमारी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक है, उसमें भी हम इस मुद्दे को रख के इस पर अन्य कार्रवाइयाँ और हम लोग कैसे करें उस पर भी हम लोग आगे विचार कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन का रोल, जैसा कि आपको मैंने बताया, पहला पार्ट तो बसेज वाला है, उनको बुला के पूरी चेकिंग की गई, करेक्शन किए गए, स्कूल प्रबंधन ने सहयोग किया तो हम लोगों ने उनको आगे बढ़ के पॉइंट बताया और उनको बताया कि आगे से और ध्यान रखें। परंतु ये जो मैटर है मैजिक और जो गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें कि पेरेंट्स खुद अपना ग्रुप बना के उनको रखते हैं, उनके लिए स्कूल प्रबंधन को अपन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह जिम्मेदार वो नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये कोई विषय नहीं है कि हमारे स्कूल के बाहर बच्चों को छोड़ गए, हम इसके अंदर जिम्मेदार हैं, बाहर जिम्मेदार नहीं है। और पेरेंट्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे वहाँ तक पहुँच गए अब स्कूल जिम्मेदार है। तो हम लोग ये प्लान कल की मीटिंग में रख रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि स्कूलों में पेरेंट टीचर मीट होती है, उस पेरेंट टीचर मीट में हमारे ट्रैफिक के जो भी हमारे प्रभारी हैं और RTO हैं हमारे और शिक्षा विभाग से, तीनों से एक एक व्यक्ति जाए और उस मुद्दे को रखें पेरेंट टीचर मीटिंग में कि भाई जो बच्चों की कैपेसिटी गाड़ी में अगर 8 है तो उसमें 8 की जगह 15 बच्चे नहीं बैठने चाहिए, इस विषय पे सबको मिलकर काम करना होगा। तो ये हमारा कल का प्रमुख विषय रहेगा। अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय RS अकेडमी, सेकेंड फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।